Lucky Shot. नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिंस के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिंसों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, तिल, मूंग, सोयाबीन, मसूर और प्याज की, और इसके अलावा भी कई और जिंसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले यहाँ पर नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। केंद्र सरकार की ओर से जारी है गेहूं की रिकॉर्ड खरीद। बीते साल के मुकाबले 11% बढ़ी खरीद। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आज की खास खबर के साथ। बता दें आपको कि केंद्र सरकार की ओर से गेहूं की जो सरकारी खरीद है वो लगातार जारी है। जी हां, लगातार ये सिलसिला बना हुआ है और 27 जून तक देश के ज्यादातर राज्यों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद 4,32,00,000 टन के पार पहुंच गई है, जो बीते साल के मुकाबले 11% ज्यादा है। आगे आने वाले दिनों में इसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर देखने को मिल सकता है। आइए गेहूं के बाजार पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देश भर के अलग अलग राज्यों के किसानों से रबी विपणन सत्र आरएमएस 2021-22 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से 27 जून तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित अन्य राज्यों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद 4,32,00,000 टन के पार पहुंच गई है, जो बीते साल से 11% ज्यादा है। गेहूं की खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। अब तक सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद पंजाब राज्य से हुई है। यहां गेहूं की कुल खरीद 1,32,00,000 टन के पार पहुंच गई है। वहीं मध्य प्रदेश राज्य से 1,28,08,000 टन, हरियाणा से 84,93,000 टन, राजस्थान से 23,19,000 टन, जबकि उत्तर प्रदेश के गेहूं किसानों से 56,41,000 टन गेहूं खरीदा जा चुका है। इसके अलावा भी दूसरे राज्यों से गेहूं की खरीद जारी है। बता दें कि 1,975 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद हो रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में शनिवार को गेहूं की आवक सामान्य रही। ज्यादातर मंडियों में गेहूं बिकवाली के लिए पहुंचा। बात गेहूं के हाजिर भाव की करें तो गुजरात की देहगाम मंडी में गेहूं के भाव में उठाव बना रहा। 2 जुलाई को यहां गेहूं का भाव रहा 1,732 रुपए, 3 जुलाई को इसके भाव में 8 रुपए की बढ़त रही और भाव हो गया 1,740 रुपए। वहीं राज्य की ही धरोल मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 40 रुपए की नरमी के साथ हुए। यहां 3 जुलाई को गेहूं का भाव रहा 1,535 रुपए, जो 2 जुलाई को 1,575 रुपए था। राजस्थान की बेगू मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। 30 जून को यहां गेहूं का भाव था 1,975 रुपए, 3 जुलाई को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,975 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि लालसोट मंडी में गेहूं के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहां 30 जून को गेहूं का भाव रहा 1,730 रुपए, 3 जुलाई को इसके सौदे 36 रुपए मजबूत होकर 1,766 रुपए पर हुए। गेहूं के भाव में उठाव का सिलसिला उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी बरकरार रहा। यहां 3 जुलाई को धारा गेहूं 10 रुपए चढ़कर 1,710 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो आगरा मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 1,750 रुपए, एटा मंडी में भाव रहा 1,660 रुपए, फतेहपुर मंडी में धारा गेहूं 1,650 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 1,680 रुपए पर हुए। इस साल देश में रबी गेहूं की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में रबी गेहूं की पैदावार 10,87,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 10,78,60,000 टन रही थी।
तो अभी आपने देखी खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी गेहूं के बाजार पर। इसको और करीब से जानने के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि सरकारी खरीद लगातार बनी हुई है, इजाफा हम इसमें देख रहे हैं, तो ऐसे में आगे आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं इसके बाजार में? गेहूं की अच्छी पैदावार यहां पर देखने को मिली है और इसी वजह से इसके दामों में थोड़ा सा गिरावट का रुख है। और इस बार अगर बात करें मंडियों में तो गेहूं की अच्छी सप्लाई है, हालांकि सरकारी खरीद यहां पर काफ़ी अच्छी हुई, इसी वजह से दामों में एक स्टेबिलिटी यहां पर यानी कि एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में अभी गेहूं के दाम एक सीमित दायरे में बने रहेंगे और कम से कम अभी अगस्त के एंड तक में दाम अभी उतार और चढ़ाव का माहौल थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे? वो थोड़ा इंतजार कर लें या बिकवाली करना सही रहेगा? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास गेहूं की फसल है और स्टॉक है तो आप जरूर यहां पर सरकारी खरीद में अपना स्टॉक दें, क्योंकि आपको MSP यहां पर सरकार ने जो बढ़ाया है उसका यहां पर सीधा सीधा फायदा आपको लेना चाहिए। और जो आपके पास स्टॉक है उसको आप सरकारी गोदामों में दे सकते हैं। जी बिल्कुल रवि जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ लेते हैं आगे और रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। आलू खरीफ सीजन में आगे चल रही मूंग की बुआई, दालों के निर्यात में हुआ 20% से ज्यादा का इजाफा। खरीफ तिल की पैदावार में बढ़त का अनुमान, बुआई बीते साल से पीछे। आइए बुलेटिन में बात करते हैं मूंग के बाजार की। बता दें आपको, चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। इसका रकबा बीते साल के मुकाबले 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं खरीफ दलहनी फसलों की बुआई अब तक 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हो चुकी है। मूंग के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान दलहन का निर्यात 20% से अधिक बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से इस साल 2,76,863 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 2,32,081 टन का ही हुआ था। यानी बीते 12 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 44,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। मूंग की खेती की बात करें तो चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 25 जून तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फसल वर्ष 2021 में मूंग की बुआई 5,23,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 5,13,000 हेक्टेयर रही थी। यानी इस साल मूंग के रकबे में 10,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। हालांकि खरीफ दलहनी फसलों की बुआई में कुछ कमी आई है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, मूंग, उड़द के अलावा अन्य फसलों का रकबा 2,00,000 हेक्टेयर से ज्यादा पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 14,58,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 17,51,000 हेक्टेयर रही थी। फिलहाल इन दिनों मूंग की आवक सामान्य है। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 2 जुलाई को मूंग का भाव रहा 5,850 रुपए, 3 जुलाई को इसके भाव में 150 रुपए का उछाल आया और भाव 6,000 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में 25 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। 3 जुलाई को यहां मूंग का भाव रहा 5,650 रुपए, जो 2 जुलाई को 5,675 रुपए था। इसी तरह राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी मूंग के भाव सुस्त रहे। यहां 2 जुलाई को मूंग का भाव रहा 5,600 रुपए, 3 जुलाई को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 5,550 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में 2 जुलाई को मूंग का भाव था 5,300 रुपए, 3 जुलाई को इसका भाव 950 रुपए मजबूत होकर 6,250 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मूंग के भाव की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में शनिवार को मूंग का भाव रहा 6,100 रुपए, एटा मंडी में भाव रहा 6,020 रुपए, जौनपुर मंडी में मूंग 9,300 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही अजूहा मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 6,700 रुपए पर हुए। वहीं देश भर में दलहनी फसलों की पैदावार में भी इस साल इजाफा हो सकता है।
दलहनी फसलों में शामिल अरहर, चना, उड़द, मसूर और मूंग के अलावा बाकी फसलों की पैदावार में 25,50,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की कुल पैदावार 2,55,80,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2,30,30,000 टन की रही थी। तो देखा अभी आपने मूंग का बाजार किस तरह से कारोबार कर रहा है, आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। रवि जी, मूंग के बाजार के बारे में क्या कहेंगे आप? मूंग के दाम काफी दिनों से एक सीमित दायरे में बने हुए हैं। इस बार मूंग की सप्लाई काफी अच्छी रही है और फसल भी यहाँ पर अच्छी देखने को मिली है और इसी वजह से मूंग के दामों में बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं है। आने वाले समय में अभी 15-20 दिनों में दाम एक सीमित दायरे में यहाँ पर बने रहेंगे। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी, वो फसल की बिकवाली कर दें या इंतजार अभी सही रहेगा? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, मुझे लगता है कि अगर आपके पास मूंग का स्टॉक है और चूंकि भाव एक सीमित दायरे में बने हैं तो यहाँ पर आप स्टॉक अपना निकाल सकते हैं, क्योंकि लंबे समय में भी बहुत ज्यादा तेजी के आसार यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी रवि जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बढ़ लेते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको जानकारी दे देते हैं नींबू के बाजार भाव की। बता दें आपको, दिल्ली की आजादपुर मंडी की हम बात करेंगे तो नींबू का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,500 रुपए। वहीं बात करेंगे लुधियाना मंडी की तो यहां भाव रहा 1,200 रुपए और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो इसके सौदे हुए 2,700 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। नींबू के बाद आइए बात करते हैं हरी मिर्च के बाजार भाव की। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की तो बता दें हरी मिर्च का भाव रहा 4,000 रुपए, जबकि यहां पर हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी की बात करें तो इसके सौदे हुए 2,500 रुपए पर। वहीं कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में इसका भाव रहा 3,000 रुपए। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में हरी मिर्च के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी तेल और सोयाबीन की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की, शनिवार और रविवार सुबह 9:30 पर। सरकारी वकील ने भरी अदालत में नंगा कर दिया हमें। कहीं से जहर लग कर देते मेरे को। स्वभाव जैसा भाग लेकर पैदा नहीं होते ना बाबूजी, जिन्हें जमीन भी देती है और किस्मत भी। नमस्ते जमींदार साहब, मुझे मेरा साहब की जमीन की हदबंदी कर रहे हैं। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9:00 डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे सोयाबीन के बाजार के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं तिल के बाजार की। बता दें कि चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई पीछे चल रही है। अब तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ तिल का रकबा 5,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। हालांकि इस साल तिल की पैदावार में बढ़त का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के भाव पर देखने को मिल सकता है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इन दिनों तिल के भाव में तेजी बनी हुई है। हालांकि कुछ मंडियों में इसके सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। गुजरात, राजस्थान सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सीमित रही। तिल की बुआई पर नजर डाले तो चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई बीते साल के मुकाबले 5,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 25 जून तक देश भर में खरीफ तिल की बुआई 66,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का ये रकबा 71,000 हेक्टेयर रहा था।
हालांकि तिल की पैदावार में इस साल बढ़त का अनुमान है। देश भर में खरीफ तिल की उपज में इस साल 1,34,000 टन तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 7,92,000 टन खरीफ तिल की पैदावार होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान तिल की पैदावार 6,58,000 टन रही थी। तिल के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 2 जुलाई को सफेद तिल का भाव रहा 7,405 रुपए, 3 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 7,455 रुपए। इसी तरह धरोल मंडी में तिल के भाव में 185 रुपए की मजबूती आई, 3 जुलाई को यहां तिल का भाव रहा 6,610 रुपए, जो 2 जुलाई को 6,425 रुपए था। वहीं राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान सफेद और काले तिल के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। 2 जुलाई को यहां सफेद तिल का भाव था 9,625 रुपए, 3 जुलाई को इसके भाव में 625 रुपए का उछाल आया और भाव 10,250 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा, जबकि काले तिल के भाव में इस दौरान नरमी दर्ज की गई। शनिवार को यहां काला तिल 25 रुपए टूटकर 7,700 रुपए पर बिका। राजस्थान की लालसोट मंडी में तिल के भाव की बात करें तो यहां 30 जून को तिल का भाव रहा 7,320 रुपए, 3 जुलाई को इसके भाव में 80 रुपए की तेजी आई और भाव 7,400 रुपए पर जा पहुंचा। बता दें कि इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 33,46,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3,65,65,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान तिलहन की कुल उपज 3,32,19,000 टन रही थी। तो अभी आपने जाना कि तिल का जो बाजार है वो किस तरह से कारोबार कर रहा है, आगे किस तरह का बदलाव हम इसमें देख सकते हैं, जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। रवि जी, तिल के बाजार भाव की अगर हम बात करते हैं तो आगे किस तरह की स्थिति रह सकती है? तिल की बात करें तो तिल फिलहाल तो एक सीमित दायरे में है और थोड़ी सी डिमांड यहाँ पर आगे निकल के देखने को मिल सकती है, जिससे इसके दामों में थोड़ा सा तेजी का रुझान हो सकता है। आने वाले समय में तिल के दाम 5-8% तक बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मंडियों में स्टॉक अभी सफिशियंट है और इसी वजह से बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं देखने को मिल रहा है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या कदम उठाने की सलाह देंगे? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात करें, अगर आपके पास तिल का स्टॉक है तो अभी थोड़ा सा रुक कर मंडी का रुक करिए और आप अपना स्टॉक सितंबर के फर्स्ट वीक तक आप निकालने की सोचिए, तब आप दामों में 5-8% तक जो तेजी है उसका फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई तिल के बाजार की। आइए बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में, आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में पत्ता गोभी के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। बात करेंगे यहाँ पर गुजरात की गोंडल मंडी की, तो पत्ता गोभी का भाव रहा 2,000 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे हुए 1,200 रुपए पर और उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,150 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जाना पत्ता गोभी के बाजार भाव के हाल के बारे में, बढ़ते हैं आगे बात करते हैं गाजर के बाजार भाव की। बता दें कि गुजरात की दाहोद मंडी की बात करेंगे तो गाजर का भाव रहा 2,300 रुपए और वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 2,900 रुपए तो पंजाब की लुधियाना मंडी में इसके सौदे हुए 1,000 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जाना देश के अलग अलग मंडियों में गाजर के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार बने हुए हैं। बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में, बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। बता दें कि घरेलू स्तर पर देश में खरीफ सोयाबीन की उपज में इस साल बंपर बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश भर में खरीफ सोयाबीन की उपज 1,34,14,000 टन हो सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,12,26,000 टन की रही थी। बात अगर हम इसके हाजिर भाव की करते हैं तो बता दें एगमार्क नेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 6,505 रुपए। वहीं बात करेंगे मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी की, तो भाव रहा 6,500 रुपए। वहीं राजस्थान की बरन मंडी की बात की जाए तो इसके सौदे हुए 7,350 रुपए पर।
जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में सोयाबीन के सौदे हुए 5,400 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। वहीं बता दें कि इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार 33,46,000 टन से ज्यादा की रह सकती है। जी हाँ, इसमें बढ़ोतरी का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के अब तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3,65,65,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल तिलहन की उपज 3,32,19,000 टन की रही थी। तो जाना आपने कि सोयाबीन के बाजार में किस तरह से कारोबार हो रहा है, आगे हम किस तरह की संभावनाएं देख सकते हैं, जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। रवि जी, सोयाबीन के बाजार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? सोयाबीन में किसान भाई बहनों को यहाँ पर अभी देखे तो थोड़ा सा एक दाम जो है वो तेजी के रुख की तरफ बनते हुए नजर आ रहे हैं, और इस बार राजस्थान की जो फसल है वो भी अच्छी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके दामों में बहुत ज़्यादा गिरावट का रुख नहीं बना है, और आने वाले समय में सोयाबीन के दामों में एक तेजी का रुख और बनता हुआ नजर आएगा, और यहाँ से कम 5-8% तक की तेजी आने वाले महीनों में देखने को मिलेगी। फिलहाल ये तेजी अभी सितंबर के फर्स्ट वीक तक बनी रहेगी। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या कदम उठाने की सलाह देंगे? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, सोयाबीन का अगर स्टॉक आपके पास है तो थोड़ा सा रुकिए, और जुलाई के अंत और अगस्त के मिड तक आप अपना स्टॉक निकालने की सोचिए, क्योंकि अभी जो तेजी बनती हुई नजर आएगी वो इन समय में आपको उसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो आप अपना स्टॉक अगस्त, मिड ऑफ अगस्त से सितंबर तक आप अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। जी, ये तो बात हो गई सोयाबीन के बाजार की, और इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे मसूर और प्याज का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। बार बार देखो, हजार बार देखो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? लुके कोई मन का नगर, यादगार गीतों की एक ताजा बयार, तो मेरे जीवन साथी, सुनहरी यादों को संजोए सदाबहार गीत जो आपके दिलों को छू जाएं। सोमवार से शुक्रवार हर रोज देखें चित्रहार डीडी रेट्रो चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं मसूर के बाजार की। इस साल रबी मसूर की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा रह सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में रबी मसूर की पैदावार 12,60,000 टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में मसूर की उपज 11,00,000 टन रही थी। वहीं शनिवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सुस्त बनी रही। मसूर के हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो एग मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में मसूर का भाव रहा 6,000 रुपए, जबकि यहां की गाजीपुर मंडी की बात करें तो इसके सौदे हुए 7,080 रुपए पर। वहीं कानपुर मंडी में मसूर की बिकवाली हुई 5,700 रुपए पर, जबकि राज्य की ही शामली मंडी में इसके सौदे हुए 7,100 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जाना मसूर के बाजार का हाल, आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं, जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। रवि जी, मसूर की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया जा रहा है, इसका जो असर है इसके बाजार भाव पर आगे आने वाले समय में हम किस तरह से देख सकते हैं? मसूर के भी दामों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिल रहा है, और दाम एक सीमित दायरे में बने हुए हैं। मंडियों में भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, और अगर यहाँ पर डिमांड की साइड से देखें तो बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, जिस वजह से इसके दामों में एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या कदम उठाने की सलाह देंगे? मसूर के किसान भाई बहन जिनके पास स्टॉक है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि इसके दामों में अब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ से नज़र नहीं आ रही। स्टॉक अच्छा है, इस वजह से दाम में तेजी का रुख नहीं बनेगा, तो आने वाले समय में दाम सीमित हैं, तो आप यहां पर अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई मसूर के बाजार की। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको कि देश के अलग अलग मंडियों में आम के बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं। हरियाणा की गोहाना मंडी की बात करेंगे तो आम का भाव यहाँ पर रहा 1,200 रुपए,
वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 4000 रुपए, तो जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इसके सौदे हुए 4400 रुपए पर। आम के बाद आइए जानकारी दें आपको बैंगन के बाजार भाव की। बता दें गुजरात की सूरत मंडी में बैंगन का भाव रहा 2800 रुपए, महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में भाव रहा 1575 रुपए, तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसके सौदे हुए 1640 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बैंगन के बाद आइए आखिर में बात कर लेते हैं प्याज के बाजार की। बता दें कि इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से 34,73,000 टन से ज्यादा हो सकती है। साल 2020-21 में प्याज की कुल उपज 2,62,92,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2,28,19,000 टन की रही थी। वहीं प्याज के हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो बता दें एकमार्क नेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का भाव रहा 1,500 रुपए, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 2,650 रुपए, कर्नाटक की हुबली मंडी में भाव रहा 1,050 रुपए, जबकि महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे हुए 1,725 रुपए पर। बता दें कि सब्जियों के निर्यात पर अगर हम नजर डालते हैं तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 3,96,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के 12 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 23,26,538 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 19,30,511 टन का ही हो सका था। तो अभी आपने जाना प्याज के बाजार में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आगे भी क्या ऐसा ही रहेगा माहौल या फिर कुछ बदलाव आएगा। जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। रवि जी, क्या कहेंगे आप प्याज के बाजार को लेकर? प्याज की बात करें तो प्याज का अमूमन जो स्टॉक की डिमांड होती है वो 292 लाख टन के आसपास भारत की डिमांड रहती है, और इस बार अभी चूंकि समय से पहले बारिश हो जाने की वजह से अब स्टॉक में काफ़ी खराबी देखने को मिली है, और इसी वजह से इसके दाम तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और आने वाले समय में हालांकि स्टॉक तो ज़रूर है लेकिन जो मौसम है उसकी वजह से थोड़ा सा तेजी का रुख बनता हुआ नजर आएगा। प्याज के दाम यहां से 5-8% तक और बढ़ सकते हैं। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे? जिन किसान भाई बहनों के पास प्याज है उन्हें आने वाले 15 से 20 दिनों बाद मंडी का रुख करें, जिससे कि जो तेजी है वो 15 दिनों में आपको 10% तक की तेजी और देखने को मिलेगी, तो आप उसका फायदा सीधे सीधे उठा सकते हैं और आप अपना स्टॉक मंडी में बेच सकते हैं। जी बिल्कुल रवि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ कृषि जिंसों पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल, और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी, और आप मंडियों का हाल जान सकते हैं हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के जरिए भी। करना क्या है आपको, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन करिए और किसी भी समय आप मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। तो बस हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।